हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन एनवायरमेंटल स्टडीज क्लास। आई एम योर रिवियस टीचर नीतू पांडे फ्रॉम शिवराज सिंह चिल्ड्रन अकेडमी। टुडे वी विल गोइंग टू स्टार्ट योर न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 10, व्हाट इज कुकिंग। सो स्टूडेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स को आप किस में खाते हो, किस पे रख के खाते हो? यस, यूटेंसिल्स पर। योर यूटेंसिल्स किस किस मेटल्स के बने होते हैं? बहुत प्रकार के बने होते हैं। कुछ तो मेटल के बने होते हैं, आपके अर्थन पॉट के बने होते हैं, ग्लासेस से बने होते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप के यूटेंसिल्स से। जैसे आप देखते हो आपके घर में तवा होता है, ग्लास होते हैं, थाली होती है और बेलन होता है, रोलिंग बोर्ड होता है। स्टूडेंट्स, ये सब जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के यूटेंसिल्स होते हैं, ये किस किस चीज़ों से बने होते हैं? और आप जो येलो कलर में देखते हो, ब्रॉन्ज, मेटल, पीतल के बर्तन, और आप देखते हो रेडिश कलर में कॉपर यूटेंसिल्स। जब हमारे पास इस तरह के यूटेंसिल्स नहीं थे, तब क्या हम भोजन नहीं बनाते थे? हम ज़रूर भोजन बनाते थे। बिना भोजन बनाए हमारा पेट कैसे भरेगा? तो स्टूडेंट्स, हमने यूज़ किया था अर्थन पॉट को। मिट्टी में भोजन बनाते थे जो बहुत स्वादिष्ट होते थे। मिट्टी के बर्तन आज भी यूज़ में लाए जाते हैं कहीं कहीं पर। तो जो व्हाट इज कुकिंग है, इसमें हम क्या जानेंगे? इसमें देखेंगे हम डिफरेंट टाइप्स के यूटेंसिल्स को, और हम ये देखेंगे कि जब पुराने समय के लोग के पास ये बर्तन नहीं रहते थे, डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स के बर्तन नहीं प्रयोग में लाए जाते थे, तब वो किस प्रकार के बर्तन का यूज़ करते थे, वो कैसे रहते थे। सपोज़ अगर वो कुछ उनके पास बर्तन ही ना हो, तो वो भोजन कैसे बनाएंगे? थिंक एंड राइट इन कॉपी। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं व्हाट इज कुकिंग। सो लेट्स स्टार्ट व्हाट इज कुकिंग। स्टूडेंट्स, व्हाट इज कुकिंग में सबसे पहले तो आपको नोटबुक में डिफरेंट डिफरेंट यूटेंसिल्स दी हुई हैं, लेकिन उसको कलर नहीं किया गया है। आप जब उसको कलर करेंगे, तब आपको पता चलेगा वो कौन कौन से यूटेंसिल्स हैं। उसमें कढ़ाई है, थाली है और ग्लास है, रोलिंग बोर्ड है। ओके, तो ये सब चीज़ को आपको कलर करना है। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम कुछ कुछ बर्तनों में हम क्या बनाते हैं, जो फूड आइटम्स बनाते हैं। तो कुछ तो हम पका के बनाते हैं, कुछ हम भून के बनाते हैं, कुछ हम तल के बनाते हैं, कुछ हम ऐसे ही स्टीम करके पका लेते हैं। तो वो कौन कौन से आइटम होते हैं जो हम भून के बनाते हैं, वो कौन से आइटम होते हैं जो हम तल के बनाते हैं? ऐसे भी आइटम होते हैं जिनको हम सिर्फ भाप से पका लेते हैं और वो बहुत हेल्दी और स्वादिष्ट होते हैं। तो ये सब फूड आइटम्स को हम अलग अलग यूटेंसिल्स में बनाते हैं। अलग अलग फूड आइटम को हम अलग अलग यूटेंसिल्स से खाते हैं। ये सब चीज़ों को कहाँ देख रहे हैं हम? व्हाट इज़ कुकिंग में। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम थिंग्स दैट ईटन रॉ। ऐसे कौन कौन से थिंग्स होते हैं जिनको हम रॉ कच्चे खा लेते हैं? रॉ मीन्स होता है कच्चे, चाहे वो वेजिटेबल्स हो जिनको हम सैलड के रूप में खाते हैं, तो उनको हम कच्चे खा लेते हैं। कुछ ऐसे फूड आइटम होते हैं जिनको हम पका के खाते हैं। तो रॉ फूड आइटम्स में हम आपको क्या क्या बता सकते हैं? रॉ मीन्स कच्चे। जैसे आप देखते हो, जब आप सैलड बनाते हो तो कैरेट हुआ, कोरिएंडर हुआ जो धनिया की पत्ती हुई, और रेडिश हुआ, इसके बाद अनियन हुए, इन सब को आप अपने सैलड में, टोमेटो हुआ सैलड में कट करके खाते हो। इन सब को तो आप कच्चे भी खा सकते हो, रॉ ही खा सकते हो। कुछ ऐसे थिंग्स होते हैं जिनको अगर हम पकाएं ना तो हम खा ही नहीं सकते हैं। वो कौन से थिंग्स होते हैं जिनको हम पका के खाते हैं? यस, जैसे कि आपको बताते हैं पोटैटो। पोटैटो को अगर आपको कच्चे दे दिया जाए तो आप खा ही नहीं सकते हो, तो आपको पकाने की ज़रूरत पड़ती है। आप वेजिटेबल्स को पका के खाते हो, यस, तो वो कौन कौन से वेजिटेबल्स या कौन कौन से होते हैं फ्रूट्स जिनको आपको पकाना पड़ता है? वो होते हैं आपके पोटैटो, लेडी फिंगर। ओके, इन सबको आप पका के खाते हो। तो आप जिन जिन चीज़ों को आप खाते हो, देखते हो अपने किचन में मम्मा पका के आपको दे रही है, उनकी ही लिस्ट बनाने हैं। आपको ऑब्जर्व करना है और आपको लिखना है कि यस,
हम तो इसे कच्चे खा ले रहे हैं, तो आज से ही आपको ऑब्जर्व करना है कि जब जब आप फूड आइटम खाते हैं आपको देखना है कि आप कौन से फूड आइटम को खा रहे हो, क्या हम कच्चे खा रहे हैं या उसे पका के खा रहे हैं। कुछ ऐसे होते हैं फूड आइटम जिनको हम कच्चे भी खा सकते हैं और पका के भी खा सकते हैं। वो कौन से फूड आइटम हैं जिनको हम सैलड में भी यूज़ कर रहे हैं और हम पका के भी यूज़ कर रहे हैं? यस, वो फूड आइटम होते हैं अनियन, जिनको आप सैलड में भी यूज़ करते हो और सब्जी में भी तड़का लगा के खाते हो, पका के खाते हो। यस, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं फूड आइटम्स की, जिनको हमने यूज़ किया कभी कच्चे और कभी उसे पका करके, और कभी जब यूज़ मन हुआ तो पका लिया और नहीं मन हुआ तो हमने कच्चे खा लिया। इस तरह के आपको फूड आइटम को ऑब्जर्व करना है अपने एनवायरनमेंट में। फिर हमने देखा, हैव यू सीन अ चपाती बीइंग मेड इन द किचन और एनी वेयर एल्स? क्या आपने कभी किचन में चपाती बनाते हुए देखा है या कहीं और देखा है? तो देर आर सो मैनी थिंग्स टू बी डन फॉर द टेकिंग आउट फ्लोर इन अ यूटेंसिल। आपने देखा होगा कि पहले हम यूटेंसिल्स में फ्लोर लेते हैं, फ्लोर मीन्स आटा, नीडिंग मीन्स गूंथना, नीडिंग मीन्स गूंथना। तो जब हम फ्लोर को नीडिंग करते हैं, नीडिंग डो, आटे को अच्छे से गूंथते हैं, तो हम कौन कौन से प्रोसेस का यूज़ करते हैं? अगर आपने कभी भी आटा गूंथते हुए देखा नहीं है तो आपको अपने किचन में ज़रूर जाके एक बार देखना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या यूज़ करते हैं? सबसे पहले हम एक लेते हैं पॉट, ठीक। इस पॉट में हम ऐड करते हैं, लेते हैं 1 कप फ्लोर, ओके। अब हम इसमें हम थोड़ा थोड़ा वी मिक्स, सेकेंड स्टेप में वी ऐड वाटर, थर्ड स्टेप नीडिंग डो, नीडिंग डो, एंड द फोर्थ स्टेप वी मेक स्मॉल बॉल। तो आप अपने जो नीडिंग आपने डो बनाया है उसका आप क्या करोगे, स्मॉल स्मॉल बॉल बनाएंगे। देन वी विल, द फिफ्थ स्टेप इज वी रोल इट एंड बेक्ड, ओके। देन स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, जो हमने स्मॉल स्मॉल बॉल बनाए हैं उनसे हम रोलिंग पैन की हेल्प से रोल करेंगे और उसे बेक करेंगे, किस पे, तावे पे। इस तरह से आपने चपाती को तो देख लिया किस तरह बनाया जाता है, लेकिन पहले आप टच एंड फील का करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप अपने किचन में एक बार मम्मा के साथ जाएंगे और देखेंगे कि हमें फ्लोर को किस तरह से डो बनाया है, किस तरह से इसके बॉल बनाया है, किससे रोलिंग की है, तब आपको समझ में आएगा कि यस, हम नीडिंग डो इस तरह से करते हैं। मेक, व्हाट इज़ कुकिंग, आज आपको क्या बनाना है, नीडिंग डो, आपको क्या बनानी है, चपाती। अब चपाती को हमने कैसे बनाया है, बेक्ड करके, मीन्स सेक करके बनाया है। अब कुछ और आइटम को देखेंगे, जैसे अगर आप किचन में जाते हो कुछ और आइटम भी बनाए जा रहे हैं तो आप उसको भी ऑब्जर्व करेंगे। यू सीन दैट फूड आइटम आर कुक्ड इन अ वेराइटी, वेराइटी मीन्स विभिन्न प्रकार के, विविध प्रकार के। आपके किचन में तो ऐसा नहीं खाली चपाती ही बनती है, विभिन्न प्रकार के आइटम बनते हैं, उनको सिर्फ आपको एक बार ऑब्जर्व करना है, ठीक। एक बार आपको ऑब्जर्व करेंगे आप डिफरेंट टाइप्स के आइटम, वैरायटीज, और आप देखेंगे कि ये कौन कौन से आइटम हैं, क्या ये आपके लिए यूज़फुल है, हेल्दी है, नॉन हेल्दी है, ऑयली है, सम आर बेक्ड। कुछ को तो हम सेकते हैं, सेकते कैसे हैं, तावे का यूज़ करते हैं सेकने में। कुछ को हम क्या करते हैं, फ्राई करते हैं, फ्राई करने में हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, हम कढ़ाई का यूज़ करते हैं, ऑयल का यूज़ करते हैं, पैन का यूज़ करते हैं। उस तरह से हम जो भी आइटम बना रहे हैं उसमें आपको क्या देखना है, व्हाट यूटेंसिल वी कैन यूज़, विच वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड
spices we can use in this item or how we make this item. थ्री स्टेप में, थ्री ऑब्जर्वेशन में आप अच्छे से समझ जाओगे कि कोई भी आइटम को बनाने के लिए हम किसको सेकते हैं, किसको तलते हैं और किसको स्टीमिंग करते हैं. और किसी भी विभिन्न प्रकार के आइटम को बनाने के लिए हमें कौन कौन से यूटेंसिल्स का यूज़ करना होता है. तो स्टूडेंट्स, इसमें ही हम देखेंगे रोस्टिंग मेथड. रोस्टिंग में हम क्या क्या करते हैं. रोस्टिंग मीन्स होता है भूनना. रोस्टिंग मीन्स, मेरे साथ ही बोलेंगे आप, रोस्टिंग मीन्स क्या होता है, भूनना. ठीक है, तो हम कौन कौन से ऐसे फूड आइटम होते हैं जिनको हम भून के खाते हैं. यस, आपने पीस को देखा है भूनते हुए, भुनी हुई मटर को देखा है, और आपने देखा है जो चने होते हैं उसको भी हम रोस्टिंग कर सकते हैं. यस, आपने पीनट्स को देखा है, इसको भी हम भून के खाते हैं. यस, तो ये सब चीज़ों को हम क्या करते हैं, रोस्टिंग करते हैं, भूनते हैं. और भी कुछ है जिसको हम बॉइलिंग करने जा रहे हैं. अब हम बॉइलिंग मीन्स क्या होता है, बॉइलिंग मीन्स होता है उबालना. कुछ ऐसे फूड आइटम होते हैं जिनको हम उबाल के ही खा सकते हैं. कैसे, वाटर में वाटर डाला, उसको जब वो बॉयल होने लगा, हमने पोटैटो को डाल दिया, वो बॉयल होने लगा, अच्छे से पक गया, तो हम उसका यूज़ अपने फूड में कर सकते हैं. ठीक है, तो बॉइलिंग में क्या होता है, उबालना. अब उबालने में हम कौन कौन से फूड आइटम होते हैं जिनको हम उबाल के खा सकते हैं, बना लेते हैं, हम बॉयल कर लेते हैं पोटैटो को. ठीक, अब ऐसे कुछ आइटम होते हैं जिनको हम फ्राई करना पसंद करते हैं, वो क्या होता है, फ्राई मीन्स होता है तलना. ठीक, अब आप देखते हो अपने घरों में, जब आपने नीडिंग डो, कुछ आटे को आपने अच्छे से डो बना लिया है, तो कभी तो आप उसे क्या करोगे, बेक्ड करोगे, सेकोगे, अपने किस यूटेंसिल्स का यूज़ करके करोगे, तावे का यूज़ करोगे. कभी आप कढ़ाई और पैन का यूज़ करके उसी नीडिंग डो को ही क्या बना लोगे, पूरी बना लोगे. तो पूरी को क्या करते हैं, हम फ्राई करते हैं. फ्राई मीन्स तलना. जब हम उसे फ्राई करते हैं तो हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, ऑयल का यूज़ करेंगे. ओके, तो ये क्या होते हैं आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मेथड हैं जिसमें हम फूड आइटम्स को बनाते हैं, व्हाट इज़ कुकिंग में. ओके, तो अब आते हैं हम बेकिंग में. बेकिंग में हम पकाते हैं, जैसे नॉर्मली आप पका देते हैं. कौन कौन से ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जिनको हम बेकिंग कर रहे हैं, पका रहे हैं नॉर्मली, ना उन्हें हम बेक, ना उन्हें हम फ्राई कर रहे हैं, ना उसे हम क्या कर रहे हैं, रोस्टिंग भी नहीं कर रहे हैं. ठीक है, तो हम नॉर्मली उसे पका रहे हैं. ठीक, वो क्या क्या होते हैं, आपके राइस होते हैं, आपके पल्सेस होती हैं, इनका यूज़ हम क्या करते हैं, पकाने में करते हैं. ठीक, ये है आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड जिसमें हम अलग अलग फूड आइटम को उनके अकॉर्डिंग कभी भूनते हैं, रोस्टिंग करते हैं, फ्राइंग करते हैं, बेक्ड करते हैं, स्टीमिंग करते हैं. स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे भी फूड आइटम हैं जिनको आप तो बहुत पसंद करते हो लेकिन आपकी मदर नहीं बनाती हैं, क्या आप ऐसे फूड आइटम को जानते हैं. यस, नॉर्मली हम वो फूड आइटम बनाते हैं जिनको आपको ईस्ट की मेथड, ईस्ट का यूज़ करके उसको कुछ दिन के, कुछ घंटे के लिए रखना पड़ता है, इसके बाद उसको पकाना पड़ता है. यस, वो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टीमिंग. अब उस फूड आइटम को हम कैसे बना सकते हैं, उसको हम यूज़ करेंगे स्टीमिंग का. जैसे आप बनाएंगे इडली, डोसा, इन सब को भी हम पकाते हैं लेकिन स्टीमिंग मेथड से. ठीक है, इसमें हमें ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें तवे, हमें भूनना नहीं पड़ता है, को स्टीम देना, भाप देना है. उसके लिए हम अलग प्रकार के पॉट का भी यूज़ करते हैं. जैसे आप इडली पॉट होता है, उसमें आपको क्या करना है, वाटर डालना है. इडली के पॉट में प्रॉपर तरीके से इडली का बैटर डालना है और स्टीमिंग मेथड से उसको पका लेना है. तो ये सब जो फूड आइटम के आप मेथड देख रहे हो, इन सब का यूज़ आप ऑब्जर्व कर सकते हो, कहाँ पर, किचन में. तो आज हमारा सब्जेक्ट क्या है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़. तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, व्हाट इज़ कुकिंग. कुकिंग में हम क्या क्या आइटम बनाते हैं, कौन कौन से मेथड का यूज़ करते हैं. अब हम एक स्टोरी बताएंगे जिसमें आपको बहुत अच्छा लगेगा. वो कौन सी स्टोरी है,
यस, अब तक तो हमने बना लिया बहुत सारे आइटम, फूड मटेरियल्स को, उसको रोस्टिंग भी किया, बेकिंग किया, बॉयल किया, स्टीमिंग किया, लेकिन अब आपको देखना है कि हम जो भी फूड आइटम पका रहे हैं उसको किस पे पका रहे हैं। मीन्स गैस सिलेंडर से है, मीन्स आपके चूल्हे से है। अब आप पहले समय में आपके पास हीटर नहीं था, हीटर में भी भोजन पकाते हैं, पकाते हीटर पे, यस। आज आपके पास बहुत सारे ऐसे भी इंस्ट्रूमेंट हैं जिसका यूज़ करके आप फूड पकाते हो, यस। तो अब कौन कौन से हम न्यू तरीके के फूड आइटम को पकाने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं? करेक्ट, इंडक्शन। इंडक्शन में जब हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक को, तो ये किस मेथड पे वर्क करता है? टच। कब आपने मोबाइल देखी है, आपको टच स्क्रीन होती है, आपको बस टच करना है, वर्क करता है। ये इंडक्शन पे हम जब भी कोई पॉट रखेंगे तो कैसा पॉट रखेंगे? ऐसा पॉट रखेंगे जिस पर टेफ्लॉन की कोटिंग हो। इंडक्शन पे जो हम पॉट यूज़ करेंगे वो पॉट ऐसा नहीं होगा कि नॉर्मली हम लेके गए और रख दिए, नो, सेलेक्टेड पॉट रहेंगे। वो पॉट किसके बने होंगे, किसकी कोटिंग होगी? कोटिंग मीन्स जैसे कभी भी आप कोई लेते हो, कोई भी पॉट लेते हो, तो वो शाइनिंग होती है, तो उस पर कुछ कोटिंग की जाती है, लेप लगाया जाता है। तो इस पर भी ये ऐसे पॉट होते हैं जिस पे 6 लेयर इंडक्शन के जो पॉट होते हैं उस पे 6 लेयर टेफ्लॉन की कोटिंग होती है, ठीक है। इंडक्शन पे जो भी पॉट होते हैं उस पे 6 लेयर टेफ्लॉन की कोटिंग होती है, ओके, मेरे साथ बोलो। इंडक्शन पे जो पॉट यूज़ होते हैं उस पे किसकी कोटिंग होती है? टेफ्लॉन की, ओके। तो अब हम आपको देख रहे हैं नेक्स्ट पे, ये होता है आपका सोलर कुकर। ये किससे वर्क करता है? सोलर जैसे सनलाइट से वर्क करता है। अब सनलाइट इसमें ज़्यादा ज़रूरी है, सनलाइट सोलर कुकर के सरफेस पे पड़ती है। सरफेस कैसा होता है? ब्लैक होता है। सोलर लाइट का जो हीट है वो सोलर कुकर एडजॉर्ब कर लेता है, ओके। इसके बाद जो भी फूड है वो धीरे धीरे उसमें पक जाता है। इसमें आपको किसका यूज़ करना है? सोलर कुकर का, ओके। अब हम आते हैं नेक्स्ट आपका बताने, ये है आपका हीटर, ठीक। ये हीटर किससे चलेगा? इलेक्ट्रिक से चलेगा, ठीक। इलेक्ट्रिक के जो हीटर हैं, अब टच स्क्रीन में भी हीटर आने लगे हैं, उसकी जो हीटिंग टेम्परेचर है उसको आप मेंटेन कर सकते हो। अगर आपको चावल पकाना है तो आप क्या करोगे, उसके हीटिंग टेम्परेचर को उसी के अकॉर्डिंग कर दोगे। दाल पका सकते हैं आप, वेजिटेबल्स, ओके। ये अलग अलग प्रकार के जो टच हीटर हैं उसके टेम्परेचर को आप मेंटेन कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट है आपका गैस सिलेंडर। इसमें तो आप जान रहे हो, इसमें आपको अलग अलग तरीके के मिल जाएंगे। कोई 2 स्टोव का होगा, कभी आपको 4 स्टोव के भी गैस स्टोव मिल जाएंगे, ठीक है। जो किससे चल रहा है? सिलेंडर का चलता है। अच्छा, इस सिलेंडर में हम कौन सी गैस भरते हैं? इस सिलेंडर में हम भरते हैं LPG, ठीक है। ये LPG, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक, और बहुत अच्छी चीज़ आपको बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनो। ये LPG जिसमें आपको कौन सी गैस भरी होती है, अभी तो आपको पता चल गया ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। लिक्विफाइड, जैसे हमने देखा कि वाटर भी लिक्विड में होती है, उसी तरह ये जो गैस होती है ये क्या भरी होती है? गैस ऐसे नहीं भरा होता, इसमें लिक्विड गैस को ही लिक्विड फॉर्म में तक कंप्रेस्ड कर दिया जाता है इसको, कि लिक्विड फॉर्म में हो जाती है, ठीक। जब इसका हम यूज़ करना स्टार्ट करते हैं तो ये
थोड़ा सा उठती है तो इसमें गैस बनना स्टार्ट हो जाता है। अब हमें ये जानना है कि इसमें गैस कौन सी भरी होती है। इसमें भरी होती है ब्यूटेन गैस। आपको नॉर्मली बस नाम याद करना है बस, ठीक। इसमें कौन सी गैस भरते हैं हम? ब्यूटेन गैस। कौन सी गैस भरते हैं इसमें? ब्यूटेन गैस भरते हैं। अच्छा, एक चीज़ जान लिया आपने, ब्यूटेन गैस भरते हैं इसमें। एक चीज़ और जान लो, कभी कभी गैस लीक करने लगती है तो आपको महक लग जाती है पहले, लेकिन वो ब्यूटेन गैस निकलती नहीं है। हमने अपने लाइफ को सेव करने के लिए सबसे पहले क्या इंडिकेटर डाला है कि जैसे कभी भी गैस निकलना स्टार्ट होती है तो सबसे पहले हल्की गैस बाहर निकले जो कि हमारे घर को कोई हार्म ना पहुंचा सके, उसके लिए हम मरकैप्टन डालते हैं। क्या डालते हैं उस पर? मरकैप्टन। अच्छी लग रही है ना, तो अच्छे समझ लो इसमें क्या डाल रहे हैं हम, मरकैप्टन, ठीक। ये इसकी स्मेल बहुत तेज़ होती है, जैसे ही आपका सिलेंडर लीक करने लगता है वैसे मरकैप्टन गैस निकल करके आपको इंडिकेट कर देती है कि यस आपके गैस में तो लीकेज है, तो आप अपने घर को बचा सकते हैं, अपने इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। यस, तो हमें कोई भी कार्य करने से पहले कुछ ऐसे भी इंडिकेशन डालने चाहिए जिससे हमको पता चल जाए कि हम उसे एट द मोमेंट हम उसको बचा सकते हैं। ओके, जैसे आपकी लाइट है, अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले क्या उठता है? फ्यूज़। यस, तो ये सब क्या है? आपको सेव करने के लिए प्रोसेस है। तो वैसे ही व्हाट इज़ कुकिंग में भी आपकी जो डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स को बनाने के लिए आपने यूटेंसिल्स यूज़ किया, आपने डिफरेंट टाइप्स के स्टोव यूज़ किए, ये सब क्या है आपके किस में यूज़ हो रहे हैं? व्हाट इज़ कुकिंग में। अगर आपके पास, थिंक करो, आपको फूड आइटम बनाने हैं, आपके पास स्टोव ही नहीं है तो आप कैसे बनाओगे? ओके, चलो स्टोव है आपके पास लेकिन आपके पास यूटेंसिल्स नहीं है, थिंक अबाउट देन व्हाट वी डू। स्टूडेंट्स, हमने क्या क्या सीखा अभी? हमने सीखा डिफरेंट टाइप्स के मेथड फूड आइटम्स को बनाने के लिए। हमने ये भी सीखा कि हमने इस फूड आइटम्स को किस तरह बनाए हैं, कौन से यूटेंसिल्स का यूज़ किया है, और हम डिफरेंट टाइप्स के आइटम को डिफरेंट डिफरेंट मेथड से भी बना सकते हैं। ओके, तो अभी आपको क्या करना है? आपने फूड आइटम तो बनाना सीख लिया, लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा खा लिया, देन व्हाट वी डू, देन व्हाट यू डू स्टूडेंट्स, तब हमको क्या बनाना करना है? अब आपको बनाना है लेमन वाटर। मीन्स अगर कभी भी आपको ऐसी प्रॉब्लम होती है कि एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई या कभी भी आपको लूज मोशन की प्रॉब्लम हो गई, अब हम क्या करेंगे? ऐसे भी हम फूड ऐसे भी आइटम्स को बना सकते हैं जिसमें हमें कभी भी गैस स्टोव की ज़रूरत ही ना पड़े। तो हम ऐसे कौन से शरबत बना सकते हैं, उसमें आप क्या करोगे? 1 glass of water प्लस ऐड 1 teaspoon sugar प्लस और क्या डाल सकते हैं इसमें आप? इसमें आप साल्ट भी डाल सकते हो, हाफ स्मॉल अकॉर्डिंग टू, ज़रा सा डालेंगे बिल्कुल। ये आपका क्या है? साल्ट है। ओके, तो ये आपका है वाटर, शुगर एंड साल्ट। ये हम किस में यूज़ कर सकते हैं? जब आपके जो आपको डिहाइड्रेशन होता है, ठीक। अब आप बताएंगे, क्या इसको बनाने में हमें किसी भी स्टोव की ज़रूरत पड़ी? नो। तो कुछ ऐसे भी हम आइटम बनाते हैं जिसमें हमें किसी स्टोव की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, नॉर्मली हम बना सकते हैं। ओके, आपको सैलड बनाना है, सैलड नॉर्मली बना लो। ओके, और आपको फ्रूट जूस निकालने हैं, बना लो, आपको किसी स्टोव की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से कुछ ऐसे भी फूड आइटम हैं जो हम नॉर्मली बना सकते हैं बिना किसी स्टोव के। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट चैप्टर।
आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस व्हाट इज़ कुकिंग। सो आप भी ऑब्जर्व करोगे अपने इन्वायरमेंट में कि हम स्टोव की मेथड से कौन कौन से फूड आइटम बनाते हैं और विदाउट स्टोव हम कौन कौन से फूड आइटम बना सकते हैं। आप भी अपनी फैमिली की हेल्प कर सकते हो जब कभी कोई प्रॉब्लम डिहाइड्रेशन की होती है। ओके, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।